दोस्तों बीजेपी नेताओं के नाम अब एक और मेडल हो गया है, एक और उनके लिस्ट में शामिल हो गया है। जो फहरिस्त थी उसमें रंगदारी भी शामिल हो गई है। जी हाँ, अभी तक आपने बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को देखा होगा कि कोई महिलाओं को गाली देता है, सरेआम उनको पीटने लग जाता है, तो कभी कोई चोरी करता है, कभी कोई दबंगई दिखाता है, कभी कोई अपना VIP कल्चर दिखाकर माफी मांगने पर सिपाहियों को मजबूर कर देता है, तो कभी कोई थाने के अंदर जाकर वर्दी उतरवाने की धमकियां देता है। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं के नाम एक और जो नाम है वो जुड़ गया है, यानी एक और काम जुड़ गया है, वो रंगदारी का है, और उन महाशय को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन फिर से एक इत्तफाक यहां पर हो गया बीजेपी के साथ कि वहां पर ये जो रंगदारी मांगने वाले साहब हैं, इनका भी बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो सामने आ गया, और यहीं पर बीजेपी अपने ही जो है बिछाए हुए जाल में पूरी तरीके से फंस गई। पूरा मामला है गाजियाबाद का, जहां पर प्रमुख कार व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने पर पुलिस ने संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये गिरफ्तारी वैसे कम हो जाती, लेकिन जैसे ही जो है बीजेपी के सांसद हों, मंत्री हों, उनके साथ फोटो वायरल हुई, वैसे बीजेपी भी इसमें घसीटे में आ गई और बीजेपी को भी लोगों ने घेर लिया। आपको बता दें, आरोपी से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त रिवॉल्वर और होंडा सिटी कार को भी जब्त कर लिया गया है। थाना सिहानी गेट में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक काले अनेजा ने 12 जुलाई को कार व्यवसायी की कार में बैठे प्रदीप शर्मा और अमित चौधरी के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद कार व्यवसायी पर रिवॉल्वर तानकर 20 लाख रुपए मांगे और रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें चाहे वो धमकाने का मामला हो, जान से मारने का मामला हो, या फिर खुले आम रोड पर बंदूक चलाने का मामला हो, या फिर किसी दूसरे विधायक की सुपारी देने का मामला हो, ये सारे के सारे जो लकब हैं वो बीजेपी के नेताओं के नाम पहले ही हो चुके हैं। लेकिन आज जब ये पूरा का पूरी जो घटना है वो निकल कर सामने आई है, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से इनकी जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और फोटोज़ भी ऐसी वैसी वायरल नहीं हो रही है, बाकायदा जो है सांसद के पीए का जो है पैर छूते हुए फोटोज वायरल हो रही है, और सांसद के साथ ताल्लुक क्या है वो भी हम आपको खबर में आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप ये जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर उसको देखिए और जूम करके देखिएगा कि इसमें काले अनेजा साहब अपने आप को जो है प्रत्याशी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका नेता नहीं, आपका बेटा काले अनेजा, वार्ड नंबर ये कुछ लिखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन साथ में जनरल VK सिंह जी, सांसद गाजियाबाद, सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार, इनकी फोटो भी इन्होंने लगा दी। और इधर आप देखेंगे तो पुलिस वालों के साथ में अनेजा की जो फोटो है वो है, और ये जो ट्वीट है वो सचिन गुप्ता की तरफ से किया गया है। इसी जो है सचिन गुप्ता के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर राजेश SP ने भी कोट करते हुए ट्वीट किया है कि रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, रेप, ये सब भाजपाइयों की अब फितरत बन चुकी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और फोटो में साफ तौर पर देख पाएंगे कि जो है केंद्रीय मंत्री के साथ इन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है, तो ऐसे कोई तो अपनी मंत्री के साथ फोटो लगाएगा नहीं, और अगर किसी पद पर नहीं है तो फिर वो क्यों दिखाएंगे कि हम बीजेपी के नेता हैं। और फोटो देखने के बाद यह साफ हो गया कि इनका बीजेपी के से जो ताल्लुक है वो थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा गहरा है। दरअसल जो इन्होंने धमकी दी थी उसके बाद 19 सितंबर को बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने काले अनेजा के नाम पर फिर से 20 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने काले अनेजा निवासी गुरुद्वारा सिहानी गेट को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया जाएगा। संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा के कई बीजेपी नेताओं से निकट संबंध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी जो सबसे ज्यादा फोटो केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद सांसद VK सिंह के साथ है वो हमने आपको दिखाई। कहीं वो मंत्री के पैर छूते हुए नजर आता है तो कहीं गुलदस्ता भेंट करते हुए दिखाई देता है। इतना ही नहीं, एक पोस्टर में उसने मंत्री का फोटो प्रयुक्त करके खुद के पार्षदी का चुनाव लड़ने का जो संदेश दिया है वो भी हमने आपको दिखा दिया। सांसद जनरल VK सिंह के PA कुलदीप चौहान ने इस फोटो को लेकर अपनी सफाई भी पेश कर दी है। PA ने कहा
रहा है कि बहुत लोग आए दिन पैर छूते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सांसद से कोई जानकारी या संबंध है। जब कोई किसी से मिलता है तो उसके पहले पुलिस तफ्तीश नहीं होती। कुछ लोग इसमें कोई एजेंडा ढूंढ रहे हैं, हमें उनकी मानसिकता पर शक करना चाहिए। ये जो सांसद के पीए हैं उन्होंने कहा है, लेकिन एक नहीं कई ऐसे मामले हैं कि अगर बाद में आरोपी पकड़ा जाता है तो वो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, ऐसा कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकलकर सामने आ जाता है। अभी आपको याद होगा कि मेघालय में बीजेपी के नेता का वैश्यालय निकला था। वैश्यालय देश के पूर्वोत्तर राज्य यानी मेघालय में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद जब आगे की कार्रवाई की गई, आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये भाई साहब बीजेपी के नेता हैं और इस वैश्यालय पर छापेमारी कर आपको बता दें 6 नाबालिग बच्चों को बचाने के साथ ही 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया था कि छापेमारी के दौरान शराब की करीब 400 बोतलें और 500 से ज्यादा कॉन्डम बरामद किए गए थे। वेस्ट गारो हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये कहा था, गुप्त सूचना के आधार पर आतंकवादी से नेता बने मरक के स्वामित्व वाले फार्म हाउस रिंपू बागान पर छापेमारी की गई। इस दौरान 6 नाबालिगों को बचाया गया जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियों को बचाया गया। ये बच्चे वैश्यावृत्ति के लिए मेघालय बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्डेक मारक और उनके सहयोगियों द्वारा रिंपू बागान में गंदे कैबिन जैसे गंदे कमरे में बंद कर दिए गए थे और उसके बाद उन लोगों को वहां से बरामद किया गया और उन्हें बचा लिया गया और एक उनका भविष्य जो बर्बाद हो रहा था वैश्यालय में जाने से उसको बचा लिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि अब ये रंगदारी का जो मामला निकल कर सामने आया है उसमें भी बीजेपी से कनेक्शन होने के बाद बीजेपी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर ऐसे इत्तफाक बीजेपी के साथ ही क्यों होते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।